नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। गांव रंगड़ी खेड़ा हुए ऑटो मार्केट रोड पर सीएम फ्लाइंग हिसार की छापेमारी। रंगड़ी से 2300 लीटर सरसों का तेल भी बरामद किया गया, जो जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। 7 से 14 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम द्वारा एवं खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की ओर से आज शहर के ऑटो मार्केट से चौधरी देवीलाल पार्क के सामने कीर्ति नगर की एक रिहायशी कॉलोनी में राधे रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी की गई। टीम ने 1 क्विंटल मावा, 3 क्विंटल तैयार किए गए रसगुल्ले व 2 क्विंटल गुलाब जामुन के सैंपल लिए। टीम द्वारा मच्छर और मक्खियों से खराब हुए गुलाब जामुन व रसगुल्ले भी नष्ट किए गए। टीम द्वारा लिए गए सैंपल की रिपोर्ट 7 से 14 दिन में आएगी। रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सीएम फ्लाइंग की टीम ने सरसों का मिलावटी तेल बेचे जाने की सूचना पर रंगड़ी रोड पर स्थित शंकर लाल राधेश्याम फर्म पर छापेमारी की। टीम को फर्म की दुकान व गोदाम से 2300 लीटर सरसों का तेल मिला, जिसमें सैंपल लिए गए और खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने तेल के सैंपल जाँच के लिए भेज दिए हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम में SI राजेश कुमार के नेतृत्व में सिरसा टीम पहुंची। टीम ने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉक्टर अरविंद को साथ लेकर के गुप्त सूचना के अधिकार आधार पर ये छापेमारी की। अब देखें पल पल की एक खास रिपोर्ट। और ये कोई गुप्त सूचना थी, बुरा रसगुल्ला प्लांट लगाया है और वहाँ स्वास्थ्य को देखते हुए सही नहीं मिल रहा वहाँ, तो फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेके डॉक्टर अरविंद जीत जी को और हमने मल्टीपल प्लांट भी आके चेक किया, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ बरामद तीन कुंटल रसगुल्ले, 2 कुंटल गुलाब जामुन और 1 कुंटल नावा मिला, जिनके सैंपल लिए गए, तीनों के अलग सैंपल लिए गए और सैंपल आगे भेज दिए जाएंगे। और भी कुछ इसमें ऐसी चीज़ें मिली जो टेस्ट करने लायक थी? और इसमें कई तब ऐसे थे जिसमें मक्खी मच्छर और ये थे जो डॉक्टर साहब ने अपनी मर्जी से डिस्ट्रॉय किया। आज सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की अगुवाई में आज हम इस जगह पर आए हैं। ये श्री राधे रसगुल्ला प्लांट के नाम से है और इसका औचक निरीक्षण आज किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहाँ पर जितना भी माल पड़ा हुआ है उसमें कई चीज़ों में मक्खियाँ मच्छर आदि कीट गिरे हुए थे, जिसे अब हम डिस्ट्रॉय करवाने की प्रक्रिया चालू करने वाले हैं। और इस दौरान हमने 3 सैंपल्स लिए हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और मावा का, जिन्हें हम मकामी कार्रवाई हेतु स्टेट फूड लैब हरियाणा भेजेंगे। 14-15 दिनों तक रिपोर्ट आने की आशंका है। रिपोर्ट आते ही आगामी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। जी हाँ, इसके अलावा हमने रांगड़ी रोड सिरसा पर छापेमारी की है, जहाँ पर तेल की फैक्ट्री, सरसों का तेल की फैक्ट्री पाई गई, जहाँ से हमने 2 सैंपल लिए हैं। शंकर लाल राधेश्याम के नाम से ये उनके प्रोपराइटर हैं। दोनों सैंपल्स को हम आगे भेज रहे हैं, आगामी कार्रवाई रिपोर्ट आने पर उपरांत की जाएगी।